ऐसा ही एक नजारा कोरिया में देखने को मिला है, जहां सिनेमा वाले बाबू अशोक लोधी शासकीय प्राथमिक शाला फाटपानी के शिक्षक हैं, जो बाइक पर एलईडी टीवी लगाकर विषयों की वीडियो दिखाकर बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का काम करते हैं। ग्राम पंचायत सारा गदबदी, रतनगा, ढोड़ी बहरा और जलिया ढाक में सिनेमा वाले बाबू की पढ़ाई फेमस है। वीडियो देखने के बाद से 1 से 5 कक्षा के छात्रों का उत्साह बढ़ गया और जिसके चलते बच्चों को सिनेमा वाले बाबू का रोज इंतजार रहता है। बच्चों को ये हाईटेक पढ़ाई काफी पसंद आ रही है। सरकार का बिना स्कूल खोले ऑफलाइन क्लास लेने का फैसला कोरिया में सही हो रहा है और साथ ही फसल सफल साबित हो रहा है। क्यों अभी क्यों मजा आता है? ठीक है, अभी कार्टून दिखाते हैं, मोहल्ला क्लास में लाके पढ़ाते भी हैं और कार्टून दिखाते हैं, ऐसे शिक्षा भी देते हैं। क्यों बहुत अच्छा लग रहा है बेटा? क्योंकि हम इसमें सीख सकते हैं, कार्टून दिखाते हैं, पढ़ाते हैं, वो हमें बहुत अच्छा लगा। क्या क्या पढ़ाते हैं बेटा? सर किताब का, पुस्तक का पाठ। शिक्षकों को और बच्चों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ये कोरोना के समय में भी इतने अच्छे ढंग से यहाँ पर काम चल रहा है, जो कुछ यहाँ पर देखने को मिला उतना अच्छा इनोवेटिव तरीके से बड़ी बड़ी जगहों पे पढ़ाई नहीं होती। में ज़्यादा आकर्षित रहते हैं, ऐसे समय में ये नवाचार बहुत ही सराहनीय है। हमारे बच्चे काफ़ी उत्साहित हैं और जब भी सिनेमा वाले बाबू को सुनते हैं आते दौड़ करके, मतलब सीखने की उत्सुक रहते हैं। बहुत जल्दी मतलब आकर्षित हो जाए, दौड़ के आ जाए, इससे जो है हमने ऐसा विचारा है कि सिनेमा वाला बाबू मैं रखूं और बच्चे आकर्षित होके दौड़ के मेरे पास आ गए और पढ़े। ये विचार कैसे आया टीवी में पढ़ाई कराने का? टीवी में विचार इसलिए आया क्योंकि मोहल्ला क्लास चल रहा था। सागर